जमीन अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। आज मणिपुर पीठ के सामने पटवारी गांव की याचिकाओं पे सुनवाई शुरू हुई। अभी स्टेट का जवाब स्टेट ने काउंटर कर दिया, अथॉरिटी की बहस चल रही है। कोर्ट ने कल सुनवाई को जारी रखते हुए कल सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए रखा है और कल सुबह जो इंटरमीडियट एप्लीकेशन फाइल हुई हैं उनका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद फिर से अथॉरिटी को और पिटिशनर्स को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बहस कर दी गई है, अगर कोई इसमें और एडिशन करना होगा या कोई फर्दर कोई इंक्वायरी होगी कोर्ट जो है कल उनसे कंफर्म कर लेगा। अभी 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 कोर्ट सिर्फ पटवारी गांव के मामलों की सुनवाई कर रही है, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पटवारी गांव का मामला समाप्त होने के बाद अन्य विलेजों की लिस्ट कल मंगाई है, किसको कब सुनना है कल वो लिस्ट स्टेट को कोर्ट को देनी है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि कितने लोगों ने समझौता कर लिया है, जिन लोगों ने कोर्ट ने एक शॉर्ट एफिडेविट मांगा है कि 26 तारीख के ऑर्डर के बाद किन लोगों ने पैसा उठा लिया है, क्यों कौन लोग पहले पैसा उठा चुके हैं, उसका एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल करना है। कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, कोर्ट अभी देखिए मामला काउंटर एफिडेविट को लेकर क्या जी नहीं जी मामला भी विचाराधीन है, बहस चल रही है, इसलिए माननीय न्यायालय को टिप्पणी को नहीं वो एफिडेविट को कल काउंटर किया जाएगा, लेकिन अब देखिए अभी मामला सुनवाई और चल रही है सुनवाई, इस वक्त मेरिट पे कुछ बोलना उचित नहीं है। एफिडेविट में उनका जो इनिशियल स्टेज हमेशा रहा है जो उनके द्वारा एजेंसी लगाई जा रही है वो सही है और उसी एजेंसी जो इनवोक उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो क्या करके माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर चुका है हो चुका है कि एजेंसी गलत लगाई गई थी। वो टेंटेटिव वो दो तीन लिस्ट उन्होंने फाइल की, किसी में 950 बताते हैं, किसी में 1200 बताते हैं, इसीलिए कोर्ट ने कहा ये कन्फ्यूजन है, आप एक प्रॉपर ड्राफ्ट चार्ट तैयार करके जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो डिटेल प्लस पिटिशन को सर्विस करने के बाद फाइल करें। कल सुना जाएगा। सुनवाई जारी रहेगी। देखिए ये माननीय न्यायालय का डिस्कशन है, वो एक एक गांव का दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, इसमें कोई कमेंट करना उचित नहीं है।